कैसे इंजीनियर्स आप सभी, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को, सुनाई दे रहा हूँ क्लियरली? हेलो सर, बिल्कुल। तो अगर मैं ऑडिबल हूँ आप सभी के लिए, अगर मैं ऑडिबल हूँ आप सभी के लिए, तो मुझे हाय करके या फिर आप लोग कहाँ से है, आपके एरिया, आपका शहर का नाम लिख लीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं और मुझे एक एनर्जी आए आप लोगों से बात करने की। और जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि आज हम बात करने वाले हैं ब्रिज टाइप कलवर्ट की, और उसी के साथ साथ मैं आपके साथ अपना एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ था, और उसमें मौजूद था एक कलवर्ट, और वो जो एक स्टोरी है तो उससे आप लोग काफी चीजें सीखोगे, ठीक है? तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत बढ़िया यार, आज हमारे साथ, यस सर, हाँ सर, यस सर, बहुत, आज डाउट सेशन नहीं हुआ सर, सिविल गुरु जी आप कवाए सर, आज का डाउट सेशन हुआ था, बिल्कुल मैंने ही लिया था आज का डाउट सेशन, आप शायद आ नहीं पाओगे। हाय सर, हाय सर, शशि सर, हाय, बहुत बढ़िया यार, सब जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा लेट चल रहा है। ओके, महाराष्ट्र सोलापुर राजस्थान सवाल मधुपुर से हूँ, सांबर साइट कैम्बर होता है सर, सांबर लिखा है आपने, हमारे सिविल इंजीनियर, डीसी सिविल इंजीनियर जी, सांबर नहीं कैम्बर होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम फजल उर रहमान है, है ना, मेरा नाम फजल उर रहमान है, मैं एक सर्वेइंग और हाईवे इंजीनियर हूँ, जिसमें आप लोगों को आज मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि कलवर्ट्स क्या होते हैं और ब्रिज टाइप कलवर्ट और कलवर्ट्स में और ब्रिज में क्या अंतर है, उसके ऊपर टोटली बात करेंगे हम लोग। नेपाल से मनीष यादव जी, किरण डग्गर, भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़, बहुत बढ़िया सर, मैं भी भिलाई छत्तीसगढ़ से ही अभी आप लोगों के सामने लाइव हूं। चंद्रपुर महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बिग फैन गुरुजी, शशि जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। आई एम फ्रॉम पंजाब, बहुत बढ़िया। मौर्य गेमर, मौर्य गेमर नाम है, नागपुर से, तो बहुत बढ़िया यार। इससे समझ में आता है कि हमारे साथ हर जगह से जो है इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं आज इस लाइव सेशन के लिए, और ये लाइव सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है। कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ से लेके जाओगे जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आप लोगों के। सबसे पहले ब्रिज टाइप कलवर्ट, आप लोगों में से ऐसे कौन से लोग हैं जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, साथ ही में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में भी काम करना चाहते हैं? अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड करके मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हाईवे कंस्ट्रक्शन में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों ब्रिज टाइप कलवर्ट इंपॉर्टेंट है हाईवे में, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में क्यों बोल रहा हूं मैं, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी, अगर आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी काम करते हो, तो कभी ना कभी आप लोग अगर एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हो, एक मेगा प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो भैया इससे तो पाला पड़ने वाला है आप लोगों का ब्रिज टाइप कलवर्ट से। ये मेरा 100% है, क्योंकि मेरा पड़ा था और वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। उसी के साथ साथ कितने टाइप के कलवर्ट्स होते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे, थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे पूरा डिटेल में, ताकि आप लोग आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहां से चले जाओ। पेपर पेन ले लो, लिखना शुरू कर दो, आज बहुत ज्यादा आप लोगों को नॉलेज मिलने वाली है और बहुत ज्यादा आगे ये काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ब्रिज। बहुत बढ़िया सर, इंटरेस्टेड, बहुत बढ़िया, शानदार, यस सर आई एम इंटरेस्टेड, इमरान अहमद ने कहा है, बहुत बढ़िया सर। मनीष, अच्छा मनीष चक्रवर्ती जी, बिल्कुल सर आप इंटरेस्टेड, ओके। तो सबसे पहला मेरा सवाल कि भैया कलवर्ट मतलब पता है कि नहीं पता है, कलवर्ट मतलब जानते हो या नहीं जानते हो, बिल्कुल ब्लैंक हो। कलवर्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हम लोग बनाते हैं ताकि जो ड्रेन वाटर है या फिर जो स्ट्रीम वाटर है वो पास हो जाए अंडर एक ब्रिज से, ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो ना रुके। उसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं कि हमारे ट्रैफिक रन को कुछ भी अफेक्ट ना हो और जो हमारा वाटर है, ड्रेन वाटर है या जो भी स्ट्रीम वाटर है, वो आसानी से पास हो जाए। तो यही एक सिंपल जो है इसकी डेफिनेशन है एक हमारे कलवर्ट की, और टेक्निकल डेफिनेशन तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आई जाएंगी, पहले थोड़ी आप लोगों से बात कर लेते हैं। यस सर पता है, हरीश राठौर जी को नहीं पता, हरीश जी आज का सेशन आप ही के लिए है, पूरा लगभग पूरा सीख के जाएंगे आप आज।
आई नो अबाउट दिस शशि जी, बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले ब्रिज टाइप कलवर्ट्स, तो भैया कलवर्ट्स के पहले इसमें भी कोई कुछ चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा कलवर्ट में आता है या कौन सा जो है हमारे साथ माइनर ब्रिज में आता है और कौन सा मेजर ब्रिज में आता है और कौन सा जो है वो लॉन्ग स्पान ब्रिज में आता है। सबसे पहले कलवर्ट के बारे में देखोगे आप तो जो 6 मीटर से, जो 6 मीटर से अंदर जिसका स्पान लेंथ जो है 6 मीटर से अंदर होगा वो कलवर्ट होगा, समझ लो, जिसका जो इनर टू इनर 6 मीटर से कम होगा वो कलवर्ट्स में आएगा। उसी के साथ साथ जो 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक बनेगा वो माइनर ब्रिज कहलाया जाएगा। क्लियर करते जाना है कॉन्सेप्ट आज, नहीं समझ में आ रहा कमेंट में पूछो फिर से बताऊंगा, लेकिन पूरा क्लियर करके जाएंगे आज हम लोग यहां से। नो सर, बिल्कुल सर आप ही के लिए, यस सर। सर डीप में ही एक्सप्लेन करने आया हूं आज आप लोगों को, तो क्लियर करके चलिए। कलवर्ट वो स्ट्रक्चर होता है जिसका जो स्पान होता है वो 6 मीटर से छोटा होता है। टेक्निकल है ये, एकदम आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप इंटरव्यू में जाके बैठे और आपने कहा कि सर इसके पहले मेरा एक्सपीरियंस है हाईवे कंस्ट्रक्शन में और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए उसमें कलवर्ट भी था, वो सीधा आपको पूछेगा कलवर्ट था। हाँ, कलवर्ट किसे कहते हैं ये बता दो, माइनर ब्रिज किसे कहते हैं ये बता दो, दोनों में डिफरेंस बता दो। तो आपको सीधा बोलना है सर जिसका इनर टू इनर फेस 6 मीटर से कम होगा वो कलवर्ट है और जिसका 6 मीटर से ज्यादा होगा 60 मीटर तक होगा वो हमारा माइनर ब्रिज है। एकदम क्लियरली कहना है। सर आर यू प्रोवाइडिंग एनी ऑनलाइन इंटर्नशिप कोर्स, पेड कोर्स? सर ऑनलाइन सारे कोर्स सिविल गुरुजी के अभी रन हो रहे हो काफी सक्सेसफुली। आप बिल्कुल सिविल गुरुजी एप्लीकेशन में जाइए, कुमार एबीजी सिविल गुरुजी एप्लीकेशन में जाइए। आपको जिस तरीके का आर्किटेक्चुरल ट्रेनिंग लेनी है, स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग लेनी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, अपने हिसाब से आप उसमें चॉइस कर सकते हो। जाइए, अभी कॉप्स है, थोड़ी देर में आपको मैं कॉप्स के बारे में भी बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। शैलेश कुमार जी लव यू ऑल गुरुजी इंजीनियर सर, थैंक यू सो मच सर। सर कलवर्ट के, सर कलवर्ट इज चैनल बाय विच वाटर पासिस? बहुत बढ़िया सर, इज अ चैनल विच वाटर पासिस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौर्य जी। ओके सर बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो यहां तक हमारी बात हो गई कि माइनर ब्रिज, माइनर ब्रिज इज अ ब्रिज हैविंग अ टोटल लेंथ अप टू 60 मीटर्स। यहां तक कि मैंने बात किया था आप लोगों की कलवर्ट की, कलवर्ट समझ में आ गया कि 6 मीटर के अंदर होना चाहिए, 6 मीटर के अंदर होना चाहिए, वो कलवर्ट बन गया। अब माइनर ब्रिज क्या होता है, ये भी सवाल आ सकता है आप लोगों को कि भाई आपने कलवर्ट तो बता दिया, अब ये बताओ माइनर ब्रिज क्या होता है। तो 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक, 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा, जिसका स्पान कंस्ट्रक्ट होगा, वो होगा हमारा माइनर ब्रिज। क्लियर, एकदम क्लियर है, क्लियर है, बोलते जाइए, मुझे समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते जाएंगे। सर मैं हरीश जी, सर मैं सेकंड ईयर में हूं, बहुत बढ़िया सर। अभी आपको आज से ही पढ़ना शुरू कर देना है, ये नहीं सोचना है इंजीनियरिंग होगी उसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपका, पढ़ना एकदम शुरू कर दीजिए। मोहित जी हेलो, अनिल जी क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाईवे इंजीनियरिंग का बेसिक बताओ सर, हाईवे इंजीनियरिंग का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सिविल इंजीनियर को हर एक चीज आनी चाहिए अगर उसे हाईवे कंस्ट्रक्शन में जाना है तो, जितने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक हाईवे इंजीनियर को कभी बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है तो ऐसा भी नहीं है, उसे बहुत सारे ऐसे ऑफिस कंस्ट्रक्ट करके देने होते हैं साइट के ऊपर, उसका भी वहां पर काम होगा तो वो भी उसको आना चाहिए, सब आना चाहिए एक सिविल इंजीनियर। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आपको हाईवे आना चाहिए या सिर्फ कलवर्ट आना चाहिए, नहीं, बहुत बड़ा स्कोप है सर सिविल इंजीनियरिंग, बहुत बड़ा स्कोप है, आपको हर एक चीज आनी चाहिए। एक सिविल इंजीनियर को हर एक चीज कंस्ट्रक्ट करते आनी चाहिए, हर एक चीज आसान करते आने चाहिए, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए एक सिविल इंजीनियर के पास, तभी वो एक असली सिविल इंजीनियर है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सर मेरा फाइनल हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस विवेक जी।
सर मैं रेलवे में साइट इंजीनियर हूं। रेलवे में साइट इंजीनियर है सर, तो आपके लिए आगे आने वाला है बॉक्स कलवर्ट, जो रेलवे में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक स्टूडेंट ने बात किया था कि सर मैं भिलाई में हूं, तो उसे भी पता होगा कि भिलाई में भी अभी रेलवे, एक रेलवे लाइन जा रही है जिसके नीचे अभी एक बॉक्स कलवर्ट बनाए जा रहे हैं, तो वही बॉक्स कलवर्ट के बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो बॉक्स कलवर्ट रेलवे के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर राइट सर शंभू यादव जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, माइनर ब्रिज तक खत्म। माइनर ब्रिज तक हम लोगों ने समझ लिया है, माइनर ब्रिज के बाद हम बात करेंगे मेजर ब्रिज की। मेजर ब्रिज तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, रेड करके रखा हूं आप लोगों के लिए, ये लिखते जाना है ना, ये मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के बाद भूल गए, उसके बाद याद नहीं आ रहा है क्या बोला था यार सर ने, ऐसा नहीं करना है, लिखते रहिए। ये जो आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4, ये चार चीजें कभी ना कभी आपको, कभी ना कभी कोई ना कोई पूछेगा, और ये मेरी गारंटी, अगर आप हाईवे कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो इंटरव्यू देने, या फिर रेलवे में भी जा रहे हो, तो ये इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। तो अभी मेजर ब्रिज क्या होता है, माइनर ब्रिज मतलब एकदम सिंपल था, 6 मीटर से लेकर 60 मीटर तक अगर कोई कंस्ट्रक्ट होगा स्पान में, वो होगा माइनर ब्रिज। मेजर ब्रिज मतलब 60 से लेकर 120 मीटर तक जो भी ब्रिज बनेगा वो होगा मेजर ब्रिज। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर ये कहां बनेंगे, हमने कहां देखा है। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरी, बहुत बढ़िया, सुनील राणा जी हाईवे में जो है साइट इंजीनियर हूं, बहुत बढ़िया सर। डीएस सिविल इंजीनियर कह रहे कि सर बॉक्स ही बना रहा हूं, बॉक्स कलवर्ट ही बना रहे सर, बहुत बढ़िया सर। सर 3D विजुअलाइजेशन कोर्स कब अवेलेबल होगा, सर 3D विजुअलाइजेशन कोर्स, 3D मॉडल्स आप लोग अभी जैसे ही कॉप्स लोगे आप लोगों को 3D मॉडल्स मिल जाएंगे, कॉप्स लेते ही आप लोगों को 3D मॉडल्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो मेजर ब्रिज की बात क्लियर हो गई। मेजर ब्रिज की बात थी कि 60 से लेके 120 तक की अगर उसकी स्पान होती है तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका मेजर ब्रिज। मेजर ब्रिज ये ध्यान रखिएगा, मेजर ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखिए मैं ये शुरू करने से पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि कहीं पर भी आपके बेसिक्स खराब ना रहे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था कि किस किस को कलवर्ट के बारे में पता है, बहुत से लोगों ने नहीं कहा था, तो उनके लिए है कि पहले बेसिक्स क्लियर करो अपने, तभी आगे बढ़ेंगे हम। निखिल आर चोपकर जी कह रहे हैं कि सर मैं गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात है, गवर्नमेंट में आप जैसे ही जेई लगोगे, आपको पीडब्ल्यूडी की तरफ से या फिर रेलवे में कहीं भी लगते हो, तो आप ब्रिज के इंस्पेक्शन के लिए जाओगे, तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मैं इंस्पेक्शन करने आया हूं तो मुझे क्या इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। चलिए शशि यादव जी, रोहन यादव जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लास्ट चीज है लॉन्ग स्पान ब्रिज, जो हमारे कहां लगते हैं, जो हमारे नदियों पर बनाए जाते हैं, रिवर्स पर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी ये भी बनते हैं रिवर्स पर, माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज भी, ठीक है। अ लॉन्ग स्पान ब्रिज इज अ ब्रिज हैविंग टोटल लेंथ मोर देन 120 मीटर्स। यहां देख लीजिए अच्छे से, 120 मीटर से जो भी बड़ा ब्रिज आपको दिखे उसे बोल दो कि ये लॉन्ग स्पान ब्रिज है। लॉन्ग स्पान ब्रिज मतलब 120 मीटर से बड़ा, ठीक है, 120 मीटर से जिसकी भी स्पान लेंथ बड़ी है वो क्या हो गया आप लोगों का, वो हो गया आप लोगों का लॉन्ग स्पान ब्रिज। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है कौन से स्पान की बात कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, एक बताता हूं। आप लोगों ने आशिकी 2 देखी है कि नहीं देखी है, आशिकी 2 में एक गाना है भुला देना मुझे, अगर नहीं देखी है मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेशन होने खत्म होने के बाद सिर्फ भुला देना मुझे, वीडियो डाल देना, उसमें आदित्य रॉय कपूर जिस जगह पे खड़ा रहता है और वहां से सीधा ऐसे जंप मारता है ना पानी में, तो वो जो क्रॉस सेक्शनल उसका जो एरिया है लॉन्गिट्यूडनल जहां वो खड़े रहकर ऐसे पानी में गिर रहा है उसे कहेंगे हम लोग स्पान, जिसके ऊपर से वो गाड़ी चला के आया वो जो रोड विड्थ थी उसे स्पान नहीं कहेंगे, ठीक है। जो जिस जगह से जिस चीज में से पानी नीचे से बह रहा है और वो गिरा, ठीक है, वो होगा हमारा स्पान, एकदम क्लियर है, ठीक है। सर आई एम स्टडी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बहुत बढ़िया। सर मैं टोटल इंजीनियरिंग में सीखने में इंटरेस्टेड हूं, शशि जी बहुत बढ़िया सर।
देखिए यहाँ पे साकेत यादव जी हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि सर हम हाईवे में असिस्टेंट इंजीनियर रह चुके हैं, बॉक्स कलवर्ट पाइप कलवर्ट दोनों बनाए हैं, स्लैब कलवर्ट भी कभी ना कभी बनाने की जरूरत पड़ सकती थी लेकिन शायद आपको बनाने। चलिए सर ठीक है आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूम पाइप की। सबसे पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है कलवर्ट में ह्यूम पाइप कलवर्ट। स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा होते हैं, हाइट ज्यादा देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, फायदे है ये। ठीक है सबसे बड़ा फायदा जो है बॉक्स कलवर्ट का ये है कि इसके डायाज अवेलेबल होते हैं 900 mm से लेके 2.5 मीटर तक, 900 mm से लेके 2.5 मीटर तक के। कौन से आप लोगों ने बोला सर छोटे छोटे भी देखे NP2 ग्रेड, इनके ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड्स लिखिए आप लोग, ग्रेड्स होता है इसके NP1 NP2 NP3 NP4 NP1 NP2 NP3 NP4 ये ग्रेड्स है। तो NP1 जो है वो हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में यूज नहीं करते क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। NP का फुल फॉर्म लिख लीजिए नॉन प्रेशर पाइप्स। हर्षल जी हेलो सर बहुत बढ़िया। तो ह्यूम पाइप के बारे में कोई डाउट आ रहा होगा अभी पूछिए तुरंत में लिख के, है ना। सबसे पहली चीज ह्यूम पाइप के बारे में क्या बताया मैंने, अलग अलग डायल्स के आते हैं 0.9 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक। और अगर आपको कस्टमाइज करवाना है तो अगर कोई प्री कास्ट ह्यूम पाइप की फैक्ट्री है आप लोग वहां से भी इसे करवा सकते हो। दूसरी चीज मैंने ये बताई कि इसके अलग अलग ग्रेड होते हैं, ठीक है अलग अलग ग्रेड होते हैं। तो मैं ग्रेड की बात करूं तो कौन सा ग्रेड बताया मैंने आप लोगों को, NP1 NP2 NP3 NP4 ठीक है। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए PPTs के, सिंपल है एकदम, है ना। तो और ये सारी चीजें आप लोगों को कोर्स में मिल जाएगी, जैसे आप लोग कोर्स एनरोल करोगे हर चीज मिल जाएगी हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। बिल्कुल शशि जी बिल्कुल ट्राई करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। ह्यूम पाइप कलवर्ट की मैंने क्या क्या बता दिया, सबसे पहले डायास बता दिया, डायास के बाद मैंने आप लोगों को बता दिए इसके ग्रेड, और NP2 NP3 NP4 यूज करते हैं हम लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन में। NP1 का यूज किया जाता है ड्रेनेज लाइन के वक्त जब हम लोग बनाते हैं तब। दूसरी चीज ह्यूम पाइप के बारे में कि जब हम लोग ह्यूम पाइप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं तो हमें कब यूज करना होता है ये, जब हमें ये पता है कि हम लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन। देखिए सिंपल सा सवाल है, आप लोग बोलेंगे कि सर तीनों तो कलवर्ट है, ह्यूम पाइप कलवर्ट स्लैब कलवर्ट बॉक्स कलवर्ट, कब बनाऊं ह्यूम पाइप कलवर्ट। आप लोगों को यह समझना होगा कि सबसे पहले तो आपको एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये चीजें दे दी जाती है कि आपको कहां पे ह्यूम पाइप बनाना है कहां पे बॉक्स बनाना है। लेकिन मैं एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूं, ह्यूम पाइप हमें तब बनाना पड़ता है जब हमारे पास हाईवे की ज्यादा हाइट देने की परमिशन ना हो और नीचे से अच्छी खासी स्ट्रीम जा रही हो, तो हम लोग वहां पे बॉक्स कलवर्ट जैसा ह्यूज जो है हम लोग वहां पे नहीं बना सकते। एक पूरा स्ट्रक्चर तब हम लोग ह्यूम पाइप का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्ट्रेंथ में बहुत अच्छे होते हैं, उसी के साथ साथ कम हाइट में हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्लैब कलवर्ट की। स्लैब कलवर्ट की बात कर रहे हैं, स्लैब कलवर्ट जो है ये काफी पहले से यूज किया जा रहा है, जब बॉक्स कलवर्ट नहीं था तब से हम लोग जो है वो स्लैब कलवर्ट का यूज कर रहे हैं, लेकिन लगभग अभी स्लैब कलवर्ट बनना बंद हो चुके हैं क्योंकि उससे अच्छे हम लोगों को प्री कास्ट बॉक्स कलवर्ट्स मिल रहे हैं और ह्यूम कलवर्ट मिल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत जगह पर आपको स्लैब कलवर्ट बनते हुए दिखेंगे। तो स्लैब कलवर्ट सिंपल, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें अबटमेंट वॉल होती है जो कि आप लोगों को यहां पर इसके पीछे दिख रही है, ये जो आप लोगों को दिख रही है इसे विंग वॉल कहा जाता है। ये जो दिख रही है आप लोगों को ये विंग वॉल है, ये इसका अप्रोच स्लैब है और ये इसका स्लैब कर्व है, या फिर इसे छोटी पैरापेट वॉल भी बोल सकते हैं, पैरापेट वॉल भी बोल सकते हैं, या फिर इसे शॉर्ट कर्व बोला जाता है। तो ये अप्रोच स्लैब है, ये विंग वॉल है जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा है, वो क्या है, वो है इसका अबटमेंट वॉल और ये है विंग वॉल। ठीक है एकदम क्लियर हो गया, ये कंपोनेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, टेक्निकल नेम्स है ये सारे। इसके बाद हम बात करेंगे बॉक्स कलवर्ट की, जिसमें सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को प्रॉब्लम आती है और समझने में इतने सारे इसमें जो है आप लोगों को टेक्निकल नेम्स दिख रहे हैं वो सारे आप लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इसमें स्टोन पिचिंग की। स्टोन पिचिंग दिख रही होगी आप लोगों को, ये स्टोन पिचिंग है। स्टोन पिचिंग के बाद आप लोगों को ये अबटमेंट वॉल तो इसमें भी होगी, देखिए वर्टिकल अबटमेंट वॉल्स,
ये जो है ये वर्टिकल अबटमेंट वॉल है। इसी के साथ साथ आप लोगों को इसमें विंग वॉल भी देखने मिलेंगी, ये विंग वॉल है। अब ये विंग वॉल का काम क्या होता है? अच्छी दिख रही है इसलिए बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। विंग वॉल इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आप लोग देख सकते हो अच्छे से, इसमें से तो वेहिकल्स रन हो जाएंगे, लेकिन जो यहां पे अर्थन सॉइल होंगी वो कलवर्ट के अंदर गिरने का ट्राई करती है, स्लाइडिंग होती है, सॉइल स्लाइडिंग होती है, तो उसे रोकने के लिए हम लोग विंग वॉल बनाते हैं। और उसी के साथ साथ इस विंग वॉल में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ये होल्स। अब इन होल्स का एक नाम है, इन होल्स का नाम है विप होल्स। यहां अच्छे से दिखेगा आप लोगों को, इन होल्स का नाम है विप होल्स। अब ये विप होल्स क्या काम करते हैं देखिए, विंग वॉल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सर बेस्ट सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं क्रिकेट टीम का भी एग्जांपल लूं तो जैसी सिचुएशन है उस टाइम के ऊपर जो प्लेयर चाहिए वो बेस्ट होता है ना। जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने द्रविड़ का नाम सुना होगा, है ना। द्रविड़ का काम होता था कि बस वो विकेट ना जाने दे, एक एंड के ऊपर खड़े रहे। लेकिन उसी के बाद अगर मैं धोनी की बात करूं तो धोनी का काम यह है कि वो बस मारे। या फिर हार्दिक पांड्या की बात करूं तो उसे टिकने के लिए नहीं भेजा जाता, उसे सिर्फ मारने के लिए भेजा जाता है। उसी के लिए अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग ह्यूम पाइप कलवर्ट्स होते हैं। जैसी सिचुएशन वैसे कलवर्ट्स बनाए जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा कि ह्यूम पाइप वहां बनाया जाता है जहां पे वर्टिकल डिस्टेंस कम होता है, ड्रेन और रोड का जो लेवल है उसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, तब हम लोग ह्यूम पाइप का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी मिलती है। बॉक्स कलवर्ट वहां पर जहां पर नाला बहुत ज्यादा बड़ा है और उसकी बहुत ज्यादा हाइट है, तब हम लोग बॉक्स कलवर्ट का यूज करते हैं। या फिर रेलवेज में हम लोग बॉक्स कलवर्ट का यूज करते हैं क्योंकि टोटली कंक्रीट का रेनफोर्समेंट से बना हुआ है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। आई लव सिविलिट बहुत बढ़िया सौरभ जी, थैंक यू। सिविल इंजीनियर का जवाब है @ साकेत, दोनों में से कोई भी सीख सकते हो। अगर हायर राइज बिल्डिंग डिजाइन में जाना है तो ईटैब्स अच्छा है, स्टील डिजाइन अगर स्टैट प्रो से सीखोगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, है ना। आगे भी देख लेते हैं कुछ कमेंट जो है। बिल्कुल सर, ठीक है सर। सर वाटर प्रेशर इज हाई देन विच कलवर्ट इज रीयूज? सर वाटर प्रेशर विथ क्वांटिटी इसे हम लोगों को देखना पड़ता है। वाटर प्रेशर कम क्वांटिटी में भी हाई प्रेशर में आता है। अगर क्वांटिटी ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा है तब हम लोग स्लैब कलवर्ट का यूज करते हैं। अगर क्वांटिटी कम है प्रेशर ज्यादा है तब हम लोग ह्यूम पाइप का यूज करते हैं। एकदम सिंपल है। गुड इवनिंग लाल बाबू कुमार जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, यहां पर हम लोगों ने विंग वॉल की बात कर रहे थे। तो विंग वॉल जो है वो अर्थन जो सॉइल है उसे रेजिस्ट करती है, उसे हमारे क्या है हमारे इसमें यहां से जो हमारी स्ट्रीम बहेगी इसमें से पानी जाएगा उसमें पानी गिरने से रोकती है, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा विंग वॉल, ठीक है। अब विप होल्स का काम क्या है? अब एकदम सिंपल चीज है, अगर मैंने वॉल बनाई है उसे अर्थ धक्का दे रही है, अर्थन सॉइल उसे धक्का दे रही है, तो सबसे ज्यादा भारी कब होती है? जब बारिश होती है। जब बारिश का पानी जमा होता है तब जो हमारी मट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो भारी हो जाती है। तो उसका लोड प्रेशर को रिलीज करने के लिए विप होल्स देते हैं ताकि विप होल्स में से वो पानी निकल जाए, मतलब लोड जो है वो रिलीज हो जाए, इसलिए हम लोग विप होल्स देते हैं विंग वॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। हाँ सर बिल्कुल, बॉक्स कलवर्ट में राफ्ट फाउंडेशन किया जाता है। देखिए आप यहां पे राफ्ट बना हुआ है पूरा कंक्रीट का रेनफोर्समेंट का। ये जो स्टोन पिचिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है ये भी की जाती है। ये अच्छे से देखिए ना, यहां पर राफ्ट है ना, ये राफ्ट है और ये स्टोन पिचिंग यहां पर की गई है। कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये पूरा स्टोन पिचिंग से तो नहीं बनाया गया। नहीं, स्टोन पिचिंग बस यहां तक है, इसके पीछे जो है कंक्रीट का राफ्ट है उसके पीछे भी स्टोन पिचिंग है। अब ये स्टोन पिचिंग या फिर स्टोन एप्रॉन भी कहते हैं, स्टोन पिचिंग भी कहते हैं, क्यों करनी पड़ती है ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्यों करनी पड़ती होगी सोचो, क्या होता है कि जो हमारा पानी होता है उसकी
उसका काम होता है स्काउरिंग करना, मतलब कि खोदना। अगर पानी में यहां से पूरा एक प्रेशर में डालू तो वो क्या करेगा, ये कलवट के नीचे से जाने की कोशिश करेगा, कलवट के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, नीचे से निकलने की कोशिश करेगा कलवट के। तो हम लोग उसके पहले से ही 5 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर से पहले से स्टोन पिचिंग प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कलवट के नीचे से स्काउरिंग ना हो, पानी इसी के ऊपर से बहते हुए निकले। ठीक है, तो ये पूरा जो है काम होता है हमारी स्टोन पिचिंग का। आगे देखते हैं हम लोग। सर स्लैब कलवर्ट के बारे में भी जानना है। सर स्लैब कलवर्ट ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे कंस्ट्रक्शन में नहीं बनेगा, ये बनेगा ज्यादातर आप लोगों के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में या फिर नेशनल हाईवे सॉरी स्टेट हाईवेज में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल रोड्स में बनाए जाते हैं। क्योंकि एक तो अगर कोई बहुत हाइटेड नाला है तब हम लोग जो है स्लैब कलवर्ट का यूज करते हैं, या फिर नाला बहुत ज्यादा वाइड है और उसकी हाइट बहुत कम है तब हम लोग स्लैब कलवर्ट का यूज करते हैं। समझ रहे हो आप लोग, जब नाला की हाइट कम है और वेट उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा है तब हम लोग स्लैब कलवर्ट का यूज करते हैं ज्यादातर, लेकिन हाईवेज में बहुत कम यूज किया जाता है हमारे स्लैब कलवर्ट का। सर फॉर बेटर सीपेज एवरीथिंग ह्यूम पाइप एंड बॉक्स कलवर्ट बेस्ट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे यहां तक क्या आप लोगों का समझ में आ गया, विप होल्स पढ़ लिया आप लोगों ने, अबटमेंट वॉल, वर्टिकल वॉल, ये तो समझ में ही आ रही है। इसके बाद आप लोगों को डेक स्लैब और अप्रोच स्लैब, ये जो हमारा स्लैब है, ये जो हमारा स्लैब है जिसके ऊपर से वेविकल रन होने वाली है, इसे कहते हैं हम लोग स्लैब और अप्रोच स्लैब। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जब से दिख रही होगी और आप सोच रहे हो कि सर ने अभी तक इसके बारे में बात क्यों नहीं की, वो है हॉन्च। भाई पूरा बॉक्स तो बना सकते थे, क्यों बनाए होंगे ये ऐसा ऐसा, इसे जो आप लोग देख रहे हो इसे ऐसा हॉन्च का शेप क्यों दिया गया है, सिंपली देखिए इसे हॉन्च का ऐसा शेप क्यों दिया गया होगा, क्यों इसे ऐसा बनाया गया। सिंपली पूरा बॉक्स भी तो बनाया जा सकता था, अगर किसी को आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थोड़ी देर रुकूंगा मैं बिल्कुल और कमेंट्स भी पढ़ूंगा, तब तक आपको यह बताना है हॉन्च क्यों प्रोवाइड किया जाता है बॉक्स कलवर्ट में। ठीक है सर, व्हाट इज मीन बाय विप होल्स, मैसेज आया सर मैंने ही बताया, ये होते हैं विप होल्स, इसमें से जो है अर्थ का जो वॉटर का लोड होता है वो बाहर हम लोग जो है उसे रिलीज करने के लिए विपोल्स दिए जाते हैं। तब तक के मुझे आंसर दीजिए हॉन्च क्यों प्रोवाइड किया जाता है। कपिल भाटी जी का आंसर आया शियर फेल्यूर रोकने के लिए, ठीक है सर सपोर्ट के लिए यूज होता है, सपोर्ट के लिए ठीक है सर। ऑल टाइप ब्रिजेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कभी सीखेंगे, आज हम ऑल टाइप्स ऑफ कलवर्ट के बारे में सीख रहे हैं। लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं सर, नीतीश जी बाद में सीखेंगे लोड नहीं, हनुमान गुप्ता जी नहीं। टू रिड्यूस चांसेस ऑफ फेल्यूअर, विच फेल्यूअर वर्टिकल प्रेशर रिलीज करने के लिए नहीं। आपको पता है ये किस तरह दिख रहा है, इसे अगर आप लोग अच्छे से देखोगे ना तो ये आर्च की तरह बनाया गया, आर्च की तरह। और आर्च क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट बेंडिंग मोमेंट जो रेजिस्ट करता है वो आर्च करता है। ये आर्च, ये जो हॉन्च है ये एक तरीके से आर्च बनाया जा रहा है ताकि वो बहुत अच्छा बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करता है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि अगर समझ लीजिए आप लोग एक बॉटल यूज कर रहे हो स्क्वायर बॉटल और उसमें आप लोग पूरा पानी भर दे रहे हो तो वो फटेगी कहां से, उसके कॉर्नर से। तो जैसा यहां पे बताया था फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी उसके लिए भी, लेकिन हॉन्चेस बहुत अच्छा बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस करते हैं, आर्च बहुत अच्छा बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करता है इसलिए हॉन्च दिए जाते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। वाटर फ्लो स्मूथली नहीं सर, इतने ऊपर तक थोड़ी आएगा वाटर फ्लो। ठीक है सर, तो बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए शेयर फेरियल के लिए जैसा कहा गया है बिल्कुल यूज किया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रख लिए। हॉन्च क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हॉन्च आर्च है
और आर्च बेंडिंग मोमेंट बहुत अच्छा रेजिस्ट करता है। आप लोगों ने कभी यह सोचा है पानी की टंकी हमेशा राउंड क्यों बनाई जाती है, गोल क्यों बनाई जाती है? जो वाटर टैंक होते हैं बड़े बड़े शहर के, वो ज्यादातर राउंड क्यों बनाए जाते हैं? या फिर आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि जितने भी लिक्विड ट्रांसफर करने वाले ट्रक्स होते हैं उन्हें गोल क्यों बनाया जाता है, राउंड सिलेंड्रिकल क्यों बनाया जाता है, पेट्रोल क्यों सिलेंड्रिकल बनाया जाता है, स्क्वायर क्यों नहीं, स्क्वायर क्यों नहीं पेट्रोल में, दूध में क्यों स्क्वायर नहीं, क्यों राउंड बनाया जाता है उसका ट्रक? उसका भी यही जवाब है, क्योंकि वो बेंडिंग मूवमेंट बहुत अच्छा रेजिस्ट करते हैं, बहुत अच्छा। जब उसके अंदर मटेरियल रहेगा, अगर वो पूरे तरीके से शार्प एजेस रहेगी तो वहां से निकलने की कोशिश करेगा। वाटर टैंक भी अगर फटेगा ना तो वो कॉर्नर से फटेगा। यहां पे वाटर टैंक को अगर कॉर्नर ही ना दे हम लोग तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट वो बहुत अच्छा रेजिस्ट करता है, इसलिए उसके चांसेस कम हो जाते हैं फटने के। तो रिड्यूस शियर फोर्स, एग्जैक्टली। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक कि हम लोगों को पूरी सारी चीजें क्लियर है। हम लोगों ने पढ़ लिया ह्यूम पाइप कलवर्ट, स्लैब कलवर्ट और बॉक्स कलवर्ट को भी हम लोगों ने अभी खत्म कर दिया है। बोलकर सर, बिल्कुल सही जवाब मिला है मुझे सिविल इंजीनियर की तरफ से, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्म स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सर्कुलर यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित यादव जी, रिड्यूस फॉर बेंडिंग मोमेंट, बहुत बढ़िया सर। मैं आप लोगों को एक बात बताया था कि मैं आप लोगों के साथ एक चीज आज शेयर करने वाला हूं कि मेरे साथ एक इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। मेरा एक इंटरव्यू था। सबसे पहले जो है मुझसे कॉल पर बात की गई, मुझे जूम मीटिंग में बुलाया गया, मैं जूम मीटिंग में गया। मेरा ये कुछ लगभग इस लॉकडाउन के पहले की, मैं फिर भी जो है बार बार जो है इसलिए इंटरव्यू देते रहता हूं ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो सिविल इंजीनियर हैं उनसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कहीं मैं चूक तो नहीं रहा। मुझे अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैं इंटरव्यूज दे रहा था। मैंने बात की उनसे कि सर मैंने इसके पहले इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है, हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में भी काम किया हुआ है। उन्हें यह नहीं पता था कि मैं सिविल गुरुजी में एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, तो शायद वो मुझसे थोड़ा और अच्छा सवाल पूछते। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा कि सर आपने हाईवे कंस्ट्रक्शन में काम किया है? बोला हाँ सर बिल्कुल, मैंने 2 साल हाईवे कंस्ट्रक्शन में काम किया। तो उन्होंने कहा कि सर फिर ये बताइए कि अगर मुझे एक कलवर्ट बनाना हो, ह्यूम पाइप कलवर्ट, ठीक है, मतलब हाँ सर बिल्कुल, और उसके ऊपर से मेरा पेमेंट हो PQC, मतलब रिजिड पेमेंट, तो मेरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होगा? मतलब सर बिल्कुल ड्राइंग के अकॉर्डिंग होगा। उन्होंने कहा सर भूल जाइए कि हमारे तरफ से आपको कोई ड्राइंग मिली है, आपको अपने एक्सपीरियंस बेसिस के ऊपर आज काम करवा के दिखाना है, आप बताइए आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसा होगा। मैंने कहा सर कि सबसे पहले तो मैं एक्सकवेशन करवाऊंगा, जितना भी मेरा डेप्थ मुझे अचीव करनी है मैं उसके लिए एक्सकेवेशन करवाऊंगा, मैं लेवल्स चेक करवाऊंगा, उसके बाद मैं फ्लो देखूंगा। तो सर बोले आप एक स्टेप भूल रहे हो। बोला सर बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी उस एक स्टेप की बात कर रहे हो कि मैं पहले साइड में कोफर डैम्स बनाऊंगा छोटे छोटे, पहले तो या तो पानी डाइवर्ट करूंगा या तो पानी को स्टॉप कर दूंगा। बिल्कुल सर बोले, मतलब सबसे पहले मैं पानी जो आ रहा है बह रहा है उसको डाइवर्ट करूंगा, अगर डाइवर्ट कर सकता हूं तो, या फिर मैं उसे स्टॉप करूंगा। इसके बाद मैं एक्सकेवेशन का काम शुरू करूंगा, जहां तक मुझे ऐसा लगेगा कि हार्ड स्टार्टा आ गया है वहां तक अचीव करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं वहां तक अचीव नहीं करवा पा रहा हूं तो मैं पहले वहां पर बोल्डर्स के साथ स्टोन पिचिंग करवाऊंगा, जिसे हम लोग स्क्रीनिंग भी कहते हैं। उसके बाद मैं उसके ऊपर स्टोन डस्ट डलवाऊंगा, अगर वहां पे आसानी से अवेलेबल है तो स्टोन डस्ट डलवाऊंगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मैं सैंड फिलिंग करवाऊंगा, स्टोन डस्ट फिलिंग करवाऊंगा। सबसे पहले बोल्डर्स, बोल्डर के बाद स्टोन डस्ट के साथ बाद में सर PCC करवाऊंगा, उसका ग्रेड रहेगा N15, बिल्कुल M15 रहेगा। उसके बाद सर मैं वहां पर अपने राफ्ट के लिए कवर ब्लॉक्स लगा के रेनफोर्समेंट का काम शुरू करूंगा, अगर बॉक्स कलवर्ट बना रहा हूं तो। उन्होंने कहा नहीं सर आप बॉक्स कलवर्ट नहीं बना रहे, आप वापस आइए, हमने आपको कहा है ह्यूम पाइप कलवर्ट बनाने में। सर बिल्कुल मैं दोनों चीजें क्लियर करते जा रहा हूं आपके साथ कि बॉक्स कलवर्ट का पहले सुन लीजिए, बॉक्स कलवर्ट का मैं रेनफोर्समेंट सेट करवाऊंगा, उसके बाद सबसे पहले मैं शटरिंग लगवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पोरिंग करवाऊंगा। बोले सर ठीक है, ह्यूम पाइप के बारे में बताइए, क्योंकि ह्यूम पाइप में एक चीज ऐसी होती है जहां हर एक इंजीनियर फंसता है, तो वो मुझे वहीं फंसाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सर ठीक है, आपने PCC तक सही बता दिया, PCC के बाद बताइए कि आप ह्यूम पाइप को कैसे वहां पर करवाओगे। सर मेरा जो एक्सकेवेशन करवाना है मुझे, वो नॉर्म्स के हिसाब से जितना बड़ा ह्यूम पाइप का डाया है
उससे मैं 150 mm एक्स्ट्रा एक्सकेवेट करवाऊंगा, क्योंकि मैं इसका बिल में ऐड कर सकता हूं एज पर आईआरसी। आईआरसी ने कहा है कि 150 mm एक्स्ट्रा आपको एक्सकेवेट करवाना है दोनों साइड से। मतलब कि अगर डाया 2 मीटर का है तो 150 150, 2.3 मीटर का एक्सकेवेशन करवाना पड़ेगा विड्थ के हिसाब से। उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही। इसके बाद सर मैंने कहा सर एक्सकेवेशन करवाने के बाद मैंने पीसीसी तो करवा ली थी, पीसीसी के बाद मैं वहां पर ह्यूम पाइप को पुट करवाऊंगा। ह्यूम पाइप पुट करवाने के बाद मैं वहां पे कुशन प्रोवाइड करूंगा, एक कॉन्क्रीट का होता है उसमें कुशन प्रोवाइड करूंगा। कुशन प्रोवाइड करने के बाद सर मैं उसके ऊपर फिर से स्टोन डस्ट डलवाऊंगा। स्टोन डस्ट डलवाने के बाद मैं उसके ऊपर डीएलसी या फिर जीएसबी जो भी एज पर वहां पर जिस तरह का मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है उसके हिसाब से, फिर उसके बाद डीएलसी और उसके बाद पीक्यूसी। तो उन्होंने कहा सर बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन आपने एक इसमें एक चीज छोड़ दी। मैंने बोला सर अगर आप लेवल्स की बात कर रहे हो तो मैंने पूरे लेवल्स मेंटेन किए हैं, अगर आप इन्वर्ट लेवल की बात कर रहे हो तो मैंने कंस्ट्रक्शन के टाइम पे मैंने इन्वर्ट लेवल भी चेक किया कि स्ट्रीम किस साइड से किस साइड जा रही है, तो मैंने सर वो भी मेंटेन किया है। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल सही, मैं लेवल्स की बात करने वाला था और आपने पहले ही बता दिया कि इन्वर्ट लेवल को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो यहां पर बात खत्म हुई। तो मतलब ये जो इंटरव्यू था उसने मुझे ये नहीं पूछा कि ग्रेड क्या होता है, ये नहीं पूछा कि कितने डाया डाया की बार आती है, मुझे ये नहीं पूछा कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है वीयूपी में, जो हमारा वेविकुलर अंडरपास होता है, लाइटवेट अंडरपास होता है, इसमें मुझे ये सब नहीं पूछा। उसने सिंपली ये बात पूछी कि आपकी साइट के ऊपर मुझे एक कलवर्ट बनाना है और आपके पास ड्राइंग मौजूद नहीं है तो आप क्या करोगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एक एक्सपीरियंस इंजीनियर से पूछे जाएंगे। उससे यूनिट वेट नहीं पूछा जाएगा, उससे कितने क्या क्या साइज के कवर ब्लॉक्स लगते हैं नहीं पूछे जाएंगे। ये सब जो है फ्रेशर इंजीनियर्स के लिए। जैसे ही आप एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए जाओगे ना जॉब इंटरव्यू देने, तो वो आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पूछेंगे, वो आपको एक सिनेरियो देंगे कि ऐसा सिनेरियो है कि आपके पास ड्राइंग नहीं है, अभी आपको डिसीजन लेना है, चलो बताओ कैसे करोगे। तो आपको वो सारी चीजें सीखने के लिए एक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आनी चाहिए सारी चीजों की, तो आप एक अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हो। आगे बात करेंगे हम, जो आप लोगों के लिए सरप्राइज था कि मैं आज बात करने वाला हूं बिच ब्रिज के बारे में, माइनर ब्रिज के बारे में, जो 6 से लेकर 60 मीटर के अंडर होता है, उसके बारे में भी आज मैं आप लोगों को उसकी एक ड्राइंग दिखाऊंगा। और सबसे पहले ये पूछूंगा आप लोगों से कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप तो समझ में आ रहा है ना, 1%, सबसे ज्यादा लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे कैम्बर कहने लगते हैं। मैं बता बता के परेशान हूं सिविल इंजीनियर्स को, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मतलब के स्लोप जिस तरह से वेविकल जाती है, कैम्बर जो होता है वो ट्रांसवर्सल दिया जाता है और ये स्लोप लॉन्गिट्यूडनल दिया जाता है, ठीक है। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब यहां पर आप लोगों को पहले तो खुद रीड करना है, थोड़ी देर के लिए तो मैं ही हट जाऊंगा इसके सामने से, आप लोगों के खुद रीड करना है। यहां पर बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, यहां पर FRL दिया हुआ है ना, थोड़ा आप लोग कनेक्ट रहिएगा। मैं हट रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों का ध्यान हट जाए, ठीक है। FRL दिया हुआ है, उसके बाद आप लोगों को ATRS दिया हुआ है, ATBS दिया हुआ है, FT दिया हुआ है, FB दिया हुआ है, LWL दिया हुआ है और HFL दिया हुआ है। मैं ये क्यों पढ़ने दिया पता है आप लोगों को, ये पूरी ड्राइंग नहीं देखने दी मैंने पहले आप लोगों को, मैंने कहा कि सबसे पहले ये पढ़ो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई ड्राइंग पढ़े तो सबसे पहले लेजेंड्स पढ़े, जब भी कोई भी ड्राइंग रीडिंग करना है, कोई भी ब्रिज की, घर की, आर्किटेक्चर जो भी, सबसे पहले लेजेंड्स पढ़ो, उसके बारे में नॉलेज लो, उसके बाद यहां पे उतरो। क्योंकि अगर मैंने यहां पर आप लोगों को पूछ लिया रहता कि RL क्या है तो आप लोग बता ही नहीं पाते सर, रिड्यूस लेवल होगा शायद, HFL क्या है पता ही नहीं है, LWL क्या है पता ही नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले लेजेंड्स पढ़ा करो, हमेशा सबसे पहले लेजेंड्स पढ़ने हैं आप लोगों को। तो अब यहां पर एकदम इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छी ड्राइंग है ये, लगभग कर्नाटका में यूज की गई ड्राइंग है। यहां पर आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज है, LWL मतलब क्या था कमेंट में बताओ, पढ़े ना आप लोगों ने, LWL देख लो, लोएस्ट वाटर लेवल, मतलब कि आज तक के इससे लो वाटर लेवल नहीं गया है। जहां पर हमें ये ब्रिज बनाना है उसका सर्वे किया गया कि उसका 95.432 मीटर्स
इससे नीचे कभी वाटर लेवल गया ही नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। ये होता है सर्वे। एचएफएल कितना है? 97.297, इसके ऊपर कभी नहीं गया, हाईएस्ट है। तो ये सेफ्टी इंटू टू की जाती है, हमेशा सेफ्टी इंटू टू की जाती है ब्रिजेस में, है ना। सेफ्टी इंटू टू मतलब कि ये 2 मीटर है, तो इसके ऊपर जो डिफरेंस होना चाहिए वो लगभग 4 मीटर तक का होना चाहिए। तो हमेशा ब्रिजेस में सेफ्टी इंटू टू की जाती है। जैसे आप लोग देख रहे हो ये 97 है, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा 101.1, ये हो गया। और दूसरा लेवल दिख रहा होगा सीधा 103, मतलब इंटू टू से भी ज्यादा किया गया। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितना कैसे किया जाता है, हमेशा इंटू टू। इसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को आरएल दिख रहा है एटीएस का। एटीएस मतलब आप लोगों को पता है अबटमेंट टॉप ऑफ रिवर साइड। ये रिवर साइड है और वो बैकफिल साइड जो इधर साइड का होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर दिया गया है हम लोगों को बीएस, ठीक है। बीएस एफआरएल मतलब फिनिश्ड रोड लेवल, हमेशा याद रखिए एफआरएल मतलब फिनिश्ड रोड लेवल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये सब पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा जूम करने की बात की गई थी इसलिए जूम करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, जूम कर दिया है आप लोगों के लिए। पहले तो आप लोग इसका एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लेजेंड्स पता करने के लिए ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एफआरएल एटीएस एटीआरएस एटीबीएस एफटीएफबी, ये सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है? अभी वापस आते हैं हम लोग। अब जैसे आप लोग देख रहे हो कि ये लूज सॉइल है, यहां पर बोल्डर प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके लिए बोल्डर प्रोटेक्शन दिया गया है, उसका लेवल दिया गया है, लेफ्ट बैंक दिया हुआ है, ठीक है। उसी के साथ साथ एफआरएल यहां का दिया गया है 103.081, और यहां का एफआरएल देखोगे तो 103.321, मतलब स्लोप किस साइड है? इस साइड है, 1% का स्लोप। ये आप लोगों को देखना होता है, मेंटेन करके रखना होता है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन तो आप लोगों को देर सवेर मिल ही जाएंगी। इसी के साथ साथ ये राइट बैंक सॉलिड रॉक, जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहां पर जो है एक हाइट मेंटेन करके दी गई है, और इस वक्त यहां पर हाइट की मेंटेन करने की जरूरी नहीं की नहीं दी गई, क्योंकि राइट बैंक में जो आप लोगों को पता हो, देखिए देख के समझ में आता है कि वहां पर सिचुएशन क्या होगी। देख के समझ में आ रहा है कि जो हमारा राइट बैंक है उसमें जो स्ट्रेंथ और हाइट है हमारी सॉइल की, वो बहुत अच्छी होगी, इसलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर पड़ी क्योंकि यहाँ पे डेप्थ भी ज़्यादा होगी, उसी के साथ साथ यहाँ की जो सॉइल होगी उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी कम होगी। बिल्कुल सर, शर्मा जी वीडियोस कह रहे हैं कि सर आई लव सिविल गुरुजी ट्यूशन। तो सर ट्यूशन नहीं है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम आप लोगों को, ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच पाए। आगे बात करेंगे हमारे मॉडल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी थोड़ी देर पहले सवाल किया गया था कि सर 3D मॉडल्स कैसे यूज करने मिलेंगे हम लोगों को, तो भाई लोग 3D मॉडल्स आप लोगों को यूज करने मिलेंगे जैसे ही आप लोग कॉप्स में एंटर हो जाओगे। जैसे ही आप लोग कॉप्स में एंटर हो जाओगे ये सारे मॉडल्स यूज करने लग जाओगे। और यही नहीं, ये तो सिर्फ आप लोगों को फुटिंग दिख रही है, बीम दिख रहा है, स्लैब दिख रहा है, डबल मिश फुटिंग दिख रही है, बहुत सारे हर एक टॉपिक के लिए एक 3D मॉडल आप लोगों को यूज करने मिलेगा। कहां पर? कॉप्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। जैसे आप लोग देख रहे हो कॉप्स मिल जाएगा, और कितने दिन के लिए? 730 दिन के लिए। रोज सीखना है ये 730 दिन आप लोगों को, रोज दिल लगा के पढ़ो। अगर जॉब भी कर रहे हो तो भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों को जॉब मिल गई ये अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट उसको बढ़ाते रहना है, उसे आगे बढ़ाते रहना है, मेहनत करते रहना है। तो ये पूरे 700 दिन पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। कल सुबह होते ही 10 बजे कॉल करो। किस कौन से नंबर पर कॉल करोगे? 9111001234 पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके देख लो। नंबर एक और बार दोहरा दे रहा हूं आप लोगों के लिए, 9111001234। आगे बढ़ते हैं, 13 मार्च तक लास्ट है,
आप लोगों को 730 दिन की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है पूरा कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस। क्या क्या मिल रहा है देख लो, बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल रही है, साथ ही में आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग भी मिल रही है। बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में एस्टिमेशन, बिलिंग क्वांटिटी, सर्वे, रेट एनालिसिस, बारबेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, डीपीआर, ऑटोकैड। आर्किटेक्चरल ट्रेनिंग में ऑटोकैड, रेविट, गूगल स्केचअप, 3ds Max, वीरे, लूमियर, एनस्केप। भाई नाम लेने में गला सूख रहा, कैसे? तो इसलिए आप लोगों को 730 दिन दिए जा रहे हैं कि रोज पढ़ना है और ये खत्म करना है। और इतना ही नहीं है ना, इसके बाद आप लोगों को स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग भी मिलेगी। स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग ईटैब स्टैट प्रो, थोड़ी देर पहले एक साहब ने पूछा था सर स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग के लिए कुछ बताइए, तो भाई ईटैब एंड स्टैट प्रो बेस्ट। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल तक जब आप पहुंचोगे तब आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा का यूज समझ में आएगा। इसके बाद हाईवे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी आप लोगों को, सर्वेइंग, इंट्रोडक्शन ऑफ लेयर्स, चेन एज पॉइंटिंग, लेवलिंग, लेवलिंग बाय ऑटो लेवल, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, कैम्बर एंड इट्स कैलकुलेशन। थोड़ी देर पहले एक ने कैम्बर भी पूछा था मुझसे। हर एक क्वेश्चन जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में आ रहा है ना, उस सब का सोल्यूशन कॉप्स में है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, QA एंड QC, ये भी मिल रहा है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें मिल रही है और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। तो ईमानदारी से पढ़ना, और ये सर्टिफिकेट ISO सर्टिफाइड है, तो ये हर एक पोजीशन पे आप लोगों के काम आने वाला है। सो लास्ट में यही कहूंगा कि बहुत मजा आया मुझे, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब भी दिए। सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कॉप्स, कॉल कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देखिए आप लोग की क्या कॉस्ट है। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो 10 बजे सुबह कॉल कीजिए, आप लोगों से बात करने के लिए एक पूरी टीम बैठी है आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में वही बात करूंगा मैं कि सीखते रहिए, सीखना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी सीखिए, चाहे आप रोज लाइव आके सीखिए, लेकिन सीखते रहना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है शर्मा जी का, सर डिप्लोमा लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट क्या बनाना, क्या बता सकते हैं? सर कोई भी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट ले लीजिए, चाहे वो कंक्रीट क्यूब की स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग का प्रोजेक्ट ले लीजिए, या फिर आप एक एक्चुअल ब्रिज का प्रोजेक्ट ले लीजिए, छोटा सा ब्रिज मॉडल के हिसाब से बना लीजिए, सस्पेंशन वाला ब्रिज बना लीजिए, कोई भी एक अच्छा सा मॉडल जो आप उसे कंस्ट्रक्ट करके अपने एंड डेट के ऊपर सबमिट कर सकते हो, वैसा बहुत बढ़िया, ठीक है। आज पता नहीं चला कि टाइम कब खत्म हो गया, सर आज पढ़ने में मजा आ गया, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। मौर्य जी ने कहा है कि मौर्य जी 14,847 उन्होंने बता दिया है, राजबंधु थैंक यू सर। सो लास्ट में हुई कि करना है कुछ खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।